हे एवरीवन, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई लोग, आज मेरे पास फ्री फायर स्पोर्ट रिलेटेड काफी सारी न्यूज है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लेकिन पहले सभी को थैंक यू सो मच, क्योंकि गाइस कल मैंने थंबनेल में लिखा था फौजी भाई रिप्लाई मी, जो पूरा फेक था, मतलब एकदम क्लिकबेट था। मैंने तुम लोग को अप्रूव रूल बनाने का ट्राई किया, मुझे लगा कमेंट में बहुत सारी गालियां पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं कि भाई थंबनेल में ऐसा क्यों लगाया, क्यों लिखा। तो भाई लोग, ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग थंबनेल से नहीं, मेरे नाम से मेरे वीडियोस को देखने आते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो गाइस चलो, ज्यादा इमोशनल नहीं करूंगा तुम लोग को, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, पहले बात करते हैं कुछ टूर्नामेंट रिजल्ट्स के बारे में। तो आज का पहला टूर्नामेंट रिजल्ट है प्रो लीग टूर्नामेंट का। तो यहाँ पे प्लेन्स के ओवरऑल स्टैंडिंग में टेबल टॉप के ओजी इलीट 115 स्कोर के साथ, और सेकंड है रेवेनेंट स्पोर्ट 97 स्कोर के साथ, और थर्ड है निग्मा गैलेक्सी 80 स्कोर के साथ, और फोर्थ है यूजी एम्पायर 55 स्कोर। और प्लेन्स से टॉप सिक्स टीम ग्रैंड फाइनल पे जाएंगे, तो मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट टूर्नामेंट रिजल्ट है आरएनएक्स टूर्नामेंट का, जिसमें ग्रुप ए और सी के बीच वर्सेस। इसमें टेबल टॉप के जॉन्टी गेमिंग ने 102 स्कोर के साथ, और सेकंड है एरो 76 स्कोर के साथ, और थर्ड है टाइटेनियम आर्मी 68 स्कोर के साथ। और बाकी का स्कोर देखना चाहते हो तो पॉज करके देख सकते हो। गाइस नेक्स्ट टूर्नामेंट है स्वागत लीग टूर्नामेंट, और इसको ग्रैंड फाइनल के डे वन में टेबल टॉप के ओजी इलीट ने 82 स्कोर के साथ, और सेकंड है जीजी 92 जॉर्ड एस, ये क्या अजीब सा टीम का नाम रखा है। तो गाइस इसका स्कोर है 80। तो गाइस थर्ड पे जॉन्टी गेमिंग 80 स्कोर के साथ, और बाकी का स्कोर देखना चाहते हो तो पॉज करके देख सकते हो। तो नेक्स्ट टूर्नामेंट रिजल्ट है इलीट इन्विटेशन स्क्रीम्स का। तो ये टूर्नामेंट फाइनली फिनिश हुआ, और इसके चैंपियन बने हेक्स स्पोर्ट 162 स्कोर के साथ, और रनर अप है कैमेन स्पोर्ट 160 स्कोर के साथ। कैमेन का सिर्फ 2 पॉइंट कम है हेक्स स्पोर्ट से। भाई कैमेन स्पोर्ट तो अभी रो रही होगी। तो गाइस सेकंड रनर अप है रेवेनेंट स्पोर्ट 141 स्कोर, और बाकी का स्कोर देखना चाहते हो तो पॉज करके देख सकते हो। तो गाइस अब बात करते हैं आज के अपडेट्स के बारे में। तो आज का पहला अपडेट है नेपाल की तरफ से। तो भाई लोग, वीब्रोस टीम का अनाउंसमेंट आ चुका है, और मेरे वीडियोस को जो रेगुलरली देखते हैं उनको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं नेपाल सर्वर अलग होने के या फिर 2 दिन बाद ही मैंने तुम लोग को बोल दिया। तो भाई लोग इसी बात पर दबा दो रेड बटन को, चलो जल्दी करो। और आगे क्या बोलूँ, हाँ बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। चलो अभी नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है ऑरेंगुटान की तरफ से। तो जिन्होंने भी कल का न्यूज़ वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि मैंने कवर किया था कि ऑरेंगुटान के कुछ पेजेस इंस्टाग्राम के कुछ पेजेस हैक हो चुके हैं, और उसमें ऑरेंगुटान का मेन पेज भी हैक हो गया। तो अभी तुम लोग सर्च करके देखोगे इंस्टाग्राम पे तो ऑरेंगुटान का मेन पेज आ चुका है, लेकिन ऑरेंगुटान इलीट अभी तक नहीं आया। तो आई होप कि जल्दी से जल्दी ऑरेंगुटान इलीट का पेज भी आ जाए, और आएगा तो मैं तुम लोग को अपडेट तो कर ही दूंगा। तो गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट है ओजी इलीट की तरफ से। तो गाइस अनशेफेफ कुछ दिनों से ओजी के टीम से खेल रहा है, तो भाई लोग शायद अनशेफेफ ओजी में ज्वाइन हो सकता है। और ये बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहाड़ी ने तुम लोग को ये अगर पता होगा तो कुछ दिन पहले पहाड़ी ने बोला था कि न्यू 2 प्लेयर्स को ट्राई कर रहे हैं अभी ओजी के लिए। तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे अपडेट ज्यादातर सही निकलते हैं, तो देखते हैं इसके बारे में। मुझे कोई भी अपडेट मिलता है तो मैं तुम लोग को बता दूंगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट है अमित वालिया की तरफ से। तो भाई लोग, मैंने तुम लोग को शायद परसों के वीडियो में बता दिया था कि अमित वालिया ऑफिशियली टीएम में ज्वाइन हो चुके हैं, और अमित वालिया ने अपने नाम के आगे टीएम भी लगा लिया था। तो अमित वालिया ने टीएम का टैग हटा दिया ऐसे नॉर्मली, या फिर कोई गड़बड़ है वो तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ भी अपडेट मिलता है इसके रिगार्डिंग तो मैं तुम लोग को बता दूंगा। तो गाइस अब बात करता है नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो भाई लोग नेक्स्ट अपडेट है बेस्ट ऑफ स्पोर्ट की तरफ से। तो गाइस बेस्ट ऑफ स्पोर्ट ने कल अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाला, जहाँ पे लिखा है कि फाइनली चैनल वापस मिल गया, थैंक्स आप सब। और मुझे थोड़ा सा शक हो रहा था कि शायद अप्रैल फूल हो सकता है। थोड़ी देर बाद बेस्ट ऑफ स्पोर्ट ने अपने इंस्टाग्राम पे फिर से एक स्टोरी डाला कि क्या मतलब अप्रैल फूल। तो भाई लोग ये एक अप्रैल फूल था, बेस्ट ऑफ स्पोर्ट को अभी तक अपना चैनल वापस नहीं मिला। तो भाई लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट है शिनू की तरफ से। तो भाई लोग, अगर तुम लोग शिनू को नहीं पहचानते हो तो मैं बता दूं, शिनू टीम इंसिनिटी स्पोर्ट के एक मेंबर है। तो भाई लोग पहले तो सॉरी, मैं यूनुस कवर करना भूल गया था कल। वैसे यूनुस एक दिन लेट सुनाने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो गाइस न्यूज़ क्या है मैं तुम लोग को बता देता हूं। तो गाइस शिनू ने क्यू एन ए किया अपने इंस्टाग्राम पे। तो क्यू एन ए में एक बंदे ने शिनू को पूछा कि भाई INT का क्या सीन है। शिनू ने बताया कि रोशन अगर ओजी या कोई और टीम ज्वाइन करता है तो टीम डिसबैंड। तो गाइज INT डिसबैंड हो सकता है, बाकी इसके रिगार्डिंग मुझे कोई भी अपडेट मिलता है तो मैं तुम लोग को बता दूं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट है रोनित की तरफ से। तो रोनित ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला, मेनी ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट रूमर्स ऑफ ओजी एंड ऑल्सो जस्ट टू क्लैरिफाई डोंट बिलीव इन एनी ऑफ द रूमर्स। तो हैक्स स्पोर्ट ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे बहुत पहले ही बोल के रखा था कि रूमर्स है वो फेक है, रोनित कहीं पे भी नहीं जा रहा, और मैंने ये न्यूज़ कवर भी किया था। तो भाई लोग मैं तुम लोग को एक चीज़ समझा देता हूँ। देखो हैक्स स्पोर्ट एक ऑर्ग है और ऑरेंगुटान भी एक ऑर्ग है, तो कोई भी प्लेयर एक ऑर्ग पे रहते वो दूसरे ऑर्ग से नहीं खेल सकता। तो भाई लोग नेक्स्ट टाइम ये चीज़ ध्यान रखना, और किसी भी रूमर पे सीधा भरोसा मत कर लेना, रूमर्स होते हैं, कोई गारंटी नहीं होता इनका। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में।
नेक्स्ट अपडेट है TSM FTX की तरफ से। तो कुछ दिनों से अंकित TSM FTX से कुछ ज्यादा ही खेल रहा है और अंकित TSM में ज्वाइन होगा या नहीं होगा कोई भी रूमर्स भी निकल कर नहीं आ रहे, तो इसके रिगार्डिंग मैं कुछ भी बताना नहीं चाहूंगा, बस मैंने देखा, नोटिस किया तो तुम लोग को बता दिया। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट है OG की तरफ से। तो कल का न्यूज जिन्होंने भी देखा उनको पता होगा, कल मैंने एक न्यूज कवर किया था जिसमें मैंने बोला था कि OG का एक न्यू प्लेयर होने वाला है, दिखाई दिया था मुझे टूर्नामेंट में, वो है सनरो। तो कुछ भाई लोगों ने कमेंट में बोला कि वो सनरो रोहित है, नाम चेंज करके खेल रहा है। तो गाइस ये नेपाल वाला रोहित तो नहीं हो सकता, ये कौन सा रोहित है तुम लोग अगर जानते हो तो प्लीज बता देना। तो गाइस आज का अपडेट बस इतना था। आई नो कभी कभी देखो हमेशा मैं तुम लोग के लिए इतना अच्छे न्यूज डेली नहीं ला सकता, तो कभी कभी थोड़ा सा कम न्यूज हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि तुम लोग को निराश ना करूं। और अगर तुम लोग मेरे साथ बात करना चाहते हो या फिर कोई भी अपडेट देना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे दे सकते हो, और तुम लोग चाहो तो थोड़ा बहुत स्पॉन्सर भी ढूंढ के दे सकते हो मुझे। तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और कहीं से भी गलती से नए आ गए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। जब तक कोई नया वीडियो नहीं आता स्क्रीन पे, जो दोनों वीडियोस दिखाई दे दोनों वीडियोस देख सकते हो। बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।